औरत कितने साल से इसके ऊपर हो? 17-18 साल से। कैसे मर गई थी? कूद गई नदी में। कूद गई? हाँ। क्यों? सब परेशान कर रहे थे परिवार वाले। कौन? सास से लड़ाई हुई, आदमी से शादी कर ली। मैं बच्चे कितने थे तेरे? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं थे। कई साल के बाद तू कूद गई जाकर, सुसाइड कर लिया? एक ही साल। एक साल के अंदर ही कूद गई। हाँ। उस समय से इसके ऊपर है तू? हाँ, क्या क्या इसका नुकसान पहुंचाया? बहुत नुकसान करी। क्या नुकसान पहुंचाया? इसको लड़का को खत्म कर दिया। कितने दिन का हो गया? 8 साल का था। हाँ। कैसे मार दिया उसको? मार दी, इसके पेट में बीमारी कर दी। तू बीमारी कर दी, मर गया? हाँ। कौन सी बीमारी कर दिया? पट्टी खोलो। अपेंडिक्स तूने कर दिया। हाँ। अभी कितने लड़के हैं इसके? 4। अभी 4 हैं। मर गया एक लड़का आपका? कहाँ से आए यहाँ? मैं आया हूँ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से। नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। कभी हाजिर हुआ था आपके यहाँ? कभी। पहली बार यहाँ हाजिर हुआ है? आप भूतों से बातचीत कर रहे हैं? कहाँ पर तुम मरी थी, इसके मायके में या इसके ससुराल में? ससुराल में मरी थी। नहीं नहीं, इस औरत को पकड़ा कहाँ तुम? घर पे ही पकड़ी, घर में ही आती। कहाँ पे रहने वाली तुम, कहाँ की हो? मेरा वहाँ ससुराल है, मायके तो आजमगढ़ जिला में। नहीं नहीं, तुम जब सुसाइड की तो ये औरत तुमको कहाँ मिली? मेरा घर पे मेरी जेठानी है। अच्छा, ये तुम्हारी जेठानी है? क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। कैसे? और तुम्हारे पति का क्या नाम है? विजय। क्या काम करता था? एसी का काम करता। तो वो दूसरी शादी कर लिया होगा? अरे, इस औरत के पति का नाम बता रही है, अपने पति का नाम बता। उनका नाम प्रमोद राय। तुम्हारा, तुम्हारी पति का नाम प्रमोद राय। वो क्या काम करते थे? वो ऐसे ही काम करते हैं, कभी उनका काम बनता है, कभी नहीं बनता। क्या काम करता था वो? ऐसे कभी कुछ काम करते, खेत में काम करते। लेबरिंग का काम करता था? नहीं। हाँ। कभी खेत में करते, कभी दुकान करते थे, कभी कुछ करते थे। अच्छा, तो वो तुम्हारी बिरादरी का था, इस औरत की बिरादरी का था? हाँ। कोर्ट ने मैरिज किया था तू? हाँ। बच्चे कितने थे तेरे? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं थे? इस औरत के कितने बच्चे हैं अभी? 3 शादी हुई उनकी। किसकी? तीसरी। जिसके ऊपर तू है उसके कितने बच्चे हैं? बाबा जी पूछ रहे हैं। तेरे पति की बात नहीं कर रहे हैं हम। जिसके ऊपर है इसके बच्चे कितने हैं? इस औरत के बच्चे कितने हैं? 4 हैं। 4। 4 हैं। लड़का कितना है? लड़का एक ही, 3 लड़की। 3 लड़की है। और बड़े लड़के को तूने मार दिया? हाँ। तू कपड़ा किस रंग का पहनी है? कपड़ा लाल पहनी है। क्या सूट, साड़ी? साड़ी पहनी। साड़ी? ये औरत लाल साड़ी नहीं पहनी है, वो मरी है जो सुसाइड की है। कहाँ पर कूदी थी? पानी में, कुआ था या नदी था? नदी। नदी में। नदी का नाम क्या था? फिर लास्ट कई घंटे बाद तुझे मिली जल तेरे घर वालों को? लास्ट मिली दूसरे दिन। दूसरे दिन मिल गई। पोस्टमार्टम हुआ था तेरा? हाँ। पढ़ी लिखी है कुछ? पढ़ी, बीए कर रखी। बीए। और ये औरत कितना पढ़ी है? ये 8वीं। 8वीं पढ़ी है। तू अपना नाम लिख कर बता। चल, पेन यही जगह है, ये लिख। जब जिंदा थी वो नाम लिख, आत्मा नाम लिख, फिर अपने पति का नाम लिख। ऐसा लिख, ये ऐसा पकड़, आंख खोल ना, देख, यहाँ आत्मा नाम लिख, फिर अपने पति का नाम लिख। पति का नाम लिख, अपने पति का नाम लिख, तेरा पति का जो नाम था वो लिख। ये तुम्हारी पत्नी का राइटिंग है? नहीं, नहीं। ये हम दिखाते हैं कैमरे मैन को। आ गया साहब, ये जो मर चुकी है ये उससे हमने साइन करवाया है, वो अपने पति का नाम लिखी है। कितने साल पहले तू सुसाइड की थी? 21 साल के अंदर। नहीं नहीं, कई साल हुआ तुझे सुसाइड की है? हो गए 17-18। 18 साल पहले तू मर चुकी है, मैंने तुझसे साइन करवाया। आपको जो भी बातचीत करना है आप कर लो, काम काम की बात और पूछ लो फटाफट, जल्दी फास्ट। क्यों कूदी, क्यों थी, क्या हुआ था? मैं लड़ाई कर रही थी। लड़ाई कर रही थी? हाँ, लड़ाई। उसी की वजह से मुझे ऐसा बोली, इतना तकलीफ दी कि
तेरा बाप भी ऐसा है वैसा है, दुनिया भर को बोली तो मैं कूद गई नदी में जाकर, मुझे बहुत तकलीफ। शाम को या सुबह? सुबह दोपहर में। दोपहर में गहने वहने भी लगे कूदे थे? हाँ कुछ गहना था। हाँ बारिश हो रही थी, नदी में लगे कूदे थे? नदी में कूदी थी, जो पहनी थी वही। अच्छा जो पहनी थी वही था। और जब मरी थे तेरे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में कुछ नहीं। कुछ नहीं था? कुछ पहन रखी हो हाथ में? चूड़ी कंगन कुछ? कंगन पहनी थी वैसे। और क्या था? कान और में पहनी थी। नहीं हाथ में क्या था? और हाथ में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, था हाथ में, याद कर क्या था? क्या था हाथ में? घड़ी नहीं था हाथ में? कैसे दिमाग से उतर गया? लाश को कौन निकलवाया था? पुलिस वाले आए निकाले सब, ढूंढे तब मेरी फूल गई थी लाश। कहाँ गई थी? फूल गई थी, फूल गई थी पानी में सारी लाश। अच्छा हाँ। कहाँ जलाया गया लाश को? यहीं जलाया गया था दोहरी घाट। और कहाँ जलाया गया? दोहरी घाट नहीं जलाया गया, झूठ बोल रही है। याद कर कहाँ जलाया गया, कहाँ जलाया गया था? पति तेरा आया था लाश में, कहाँ पे जलाया गया था? याद कर जल्दी। आग कौन दिया था तुझे? आग कौन दिया था? आग कौन दिया था? चिता कौन जलाया तेरी? तेरी चिता कौन जलाया था? याद करके जल्दी बता। ये सारी घटना जो घटी थी जानते हो आप? वो आप थे? ठीक है, पूछते हैं चिता कौन जलाया था, आग तेरी कौन जलाया? सब मिलके जलाया। नहीं दाग कौन दिया? दाग, दाग जिसको बोलते हैं, कौन दिया? तुम्हारा पति दिया, देवर दिया, कौन? कौन दिया? ससुर दिया, कौन दिया? कौन दिया था? पति दिया, पति दिया था। सही है, सही है उत्तर है। और कौन कौन है तेरे साथ? लड़का भी है? लड़का भी है तेरे साथ? हाँ लड़का भी है। किसका लड़का? तेरा ही लड़का है, विजय का। कौन? मेरा लड़का तेरे साथ है। आप लड़का कई साल का था? 8 साल का हो तुम्हारा था? 8 साल का। बात करना चाहते हो आप अपने लड़के से? तू साइड हट जा जल्दी से, तुरंत इसके लड़के को भेज। नाम क्या लड़के का? राहुल। राहुल हाजिर हो तुरंत। राहुल तेरा पिता बुला रहा है, जल्दी आ। नाम क्या है तेरा? नाम बोल। नाम क्या है तेरा? राहुल। ये देख कौन है, ये देख बगल में, इधर 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 देख, ये कौन है तेरा? ये कौन है? ये तेरा बाप है। ऑलरेडी ये मियाँ बीवी है, मगर इसके लड़के को बुलाया है जो बहुत साल पहले। कितने साल पहले मरा आपका लड़का? ये 2008 में मरा। कई साल पहले? 18 चले 10 साल हो गए। 10 साल पहले मर चुका है, उससे हम बात करा रहे हैं। कौन स्कूल में पढ़ते थे तुम? यही पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे। दिल्ली ले गया था भाभी को। उससे बात करो, बात करो, बात करो, अपने लड़के से बात। क्या हुआ था, कैसे मरे थे? अरे मुझे दिखाई देता था, मुझे कोई मारता है, कुछ करता है, मार रहा है, हिंसा को किया रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ऐसी मारने की कोशिश करता है, कितना बार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मरे कैसे थे, क्या हुआ था? मुझे पेट में कोई बीमारी दे दिया था। हाँ वो बोला भी, भूतनी बोला भी कि हमने ये बीमारी दिया था। सही है, बीमारी दिया था। तो क्या हुआ था? इसी से मैं मरा हूँ, मरता नहीं। ये तो क्या हुआ, कैसे मरा, कैसे तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ, कुछ हुआ होगा? कहाँ पे मरे थे, घर पे, गांव में या दिल्ली में, कहाँ मरे थे? हॉस्पिटल में मरा था। सही है, कई बजे मरे थे? शाम, सुबह, दोपहर, कब? कपड़ा क्या पहने थे उस समय तुम? स्वेटर पहना। ठंडे का दिन था, स्वेटर पहना। कितना पढ़े लिखे हो तुम? फर्स्ट में गया। पहले में गया था,
तब उससे क्या साइन करवाएंगे? ठीक है, आप बात कर लो, हम आज आखिरी बात कर सकते हो, आज के बाद ये आप नहीं बात कर सकते हो, हम इसे मुक्ति दिला देंगे। राहुल और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम रहना चाहते हो अपने मम्मी पापा के साथ या ऊपर जाना चाहते हो? मुक्ति चाहिए या रहना चाहते हो? मुक्ति से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मुक्ति दे दो, वन साइड, यानी इससे अच्छा कुछ नहीं है। 250 में आप मुक्ति दिला दो, पूजा पाठ दुनिया भर का ये ओझा मुल्ला पंडित करवा लेते हैं, कुछ फायदा नहीं। कुछ मुल्ला कहते हैं ईद यानी रमजान में रूह कब्ज हो जाती है एक महीने के लिए, और रमजान में भी हाजिरी लग रही है, रमजान में भी हाजिर रहते हैं और बातचीत करते हैं, और हम उनको ऊपर भेज देते हैं। और हम एक दफे ऊपर भेज दिया तो फिर इस दुनिया में हम दोबारा नहीं बुला सकते हैं, हम भी नहीं है, कोई भी दुनिया का बाबी बाबा बुला नहीं सकता है। चल भाई यहाँ रखो इसको, हम मुक्ति दे फट से, ये पकड़ो। आठ, तुम्हारी कोई पानी पीना चाहते हो अपने पिताजी से? ठीक है, तुम्हारी ये तो ख्वाहिश हम पूरी कर ही देंगे। ये लो भैया तुम पानी पिला दो। ये तुम्हारी कौन है पीछे? तुम्हारी बहन है? ये बहन है, सही है, छोटी बहन, उससे भी पानी पिलवा ही दो भाई। जाओ तुम्हारी मुक्ति। क्या क्या बातचीत हुआ कुछ याद है आपको? कुछ याद नहीं। भूतों से हमने बात की, आपके लड़के को 7 साल का लड़का भी आपका मार दिया, भूत ने बताया, कोई सुसाइड किया था 18 साल पहले, सब बताया, वीडियो नेट पे आप देखना। कहाँ से आप आ रही हो? मऊ से। आप कहाँ से आ रहे हो? रिटर्न लौट आ रहे थे, अभी गांव आए थे ना। अच्छा, अभी काम से आ रहे हैं। मतलब ये वीडियो किसने देखा मेरा नेट पे? मैं ही देखा था नेट पे, दिल्ली में। फिर कितने बाबी बाबा को आपने दिखाया होगा? 2-3 को दिखाया था लेकिन हाजिर नहीं। पहली बार यहाँ हो गई, आपके लड़के से भी बात करा दिया, संतुष्ट है कि हाँ हमारा लड़का है, किस रंग का सूटर पहना था वो भी बता रहा है, टाइम टेबल भी बता रहा है, सही था? सही। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं पढ़ा। कभी आप सोचा था भूत प्रेत से दोबारा बातचीत हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। नहीं। पिक्चर में सुना होगा, पिक्चर में कहाँ दिखाते, मगर ये रियल आपके साथ हुआ, देखा? रियल होता है तो देखा था। हम नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते, मुस्लिम पूरा जन्म और ये सब हम लोग नहीं मानते, हम लोग अभी की बात करते हैं, कल क्या होना है ये सब हम लोग के खाते में नहीं लिखा हुआ है। चल अभी मैं आपका भी भूतों को मारने जा रहा हूँ। भूतों से हमने रिकॉर्डिंग करा था, वो को हमने छिपा दिया है, अब ये औरत से उसका नाम लिखवा रहा हूँ, और अपना नाम लिखना और अपने पति का नाम लिखना, फिर वो राइटिंग को हम लोगों को देखना है कि सेम राइटिंग है या अलग अलग है। इसके पहले ये वाला आपने लिखा था मैडम, देखो ये वाला, ये आपने लिखा था, ये आपने लिखा था? नहीं, ये भूतों से लिखवाया था, ये आपकी राइटिंग है, अलग अलग है। दुनिया को भी हम दिखा देते हैं, ये है पहली भूतों वाली राइटिंग, और ये है अभी रियल वाली, इस औरत की राइटिंग, औरत ने पति का नाम लिखा है, और वो वाली है बहुत अंतर है, उस भूतों का है और उसके पति का है, ये अलग अलग है बिल्कुल पक्का। चलो ये लो भूतों वाली साइन आप ले लो। राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है, ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा, राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा।
पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है, ये सीधी रोड जा रही है। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, कोई परेशानी से बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यही आने से होगी? क्या बेकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूँ? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूँ? एकदम शूट कर सकते हैं। हाँ? अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उसपे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए, वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।